हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्जुन बिजलानी के बारे में। इनके बारे में जानने से पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आप सभी के फेवरेट अभिनेता की लाइफ स्टाइल के बारे में और इनकी बायोग्राफी के बारे में। अर्जुन बिजलानी एक भारतीय टेलीविजन और फिल्म अभिनेता, होस्ट, एंकर हैं। टीवी की दुनिया की ये फेमस कलाकार हैं। इनकी अदाकारी का जादू फैंस के दिलों पर राज करता है। यही कारण है कि इनके तमाम चाहने वाले हैं और इनकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं अर्जुन बिजलानी की लाइफ स्टाइल के बारे में। वहीं अगर बात कर ली जाए अर्जुन के जन्म के बारे में, तो अर्जुन बिजलानी का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को बॉम्बे महाराष्ट्र में एक सिंधी पिता और महाराष्ट्रियन माँ के घर पर हुआ था। तो दोस्तों, अगर वहीं बात कर ली जाए अर्जुन बिजलानी की एजुकेशन के बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अर्जुन बिजलानी ने अपनी स्कूली शिक्षा बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल मही मुंबई महाराष्ट्र से पूरी की है और कॉलेज की पढ़ाई HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पूरी की है। अर्जुन को स्नातक में योग्यता हासिल हुई है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आपको मिलवाते हैं अर्जुन बिजलानी की फैमिली से। तो दोस्तों, अर्जुन के पिताजी का नाम है सुदर्शन बिजलानी और इनकी माँ का नाम है शक्ति बिजलानी। इनके भाई का नाम है निरंजन बिजलानी और इनकी बहन का नाम है रोहिणी बिजलानी। 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता सुदर्शन बिजलानी को खो दिया। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अर्जुन बिजलानी की पर्सनल लाइफ के बारे में और इनके रिलेशनशिप के बारे में। अर्जुन ने अपनी गर्लफ्रेंड नेहा स्वामी से करीब 8 साल तक डेटिंग करने के बाद 20 मई 2013 को जुहू मुंबई इस्कॉन मंदिर में शादी कर ली। नेहा पूर्व अभिनेत्री दीप्ति भटनागर की भतीजी हैं। अर्जुन और नेहा पहली बार एक दोस्त की पार्टी में मिले थे। पहली मुलाकात में ही उनको उनसे प्यार हो गया था और 21 जनवरी 2015 को वे एक बच्चे के माता पिता बने, जिसका नाम उन्होंने अयान बिजलानी रखा। अर्जुन अपने बेटे अयान को अपना लकी चार्म मानते हैं, क्योंकि उनके जन्म के बाद अर्जुन को कई लोकप्रिय हिंदी टीवी धारावाहिक के ऑफर मिले थे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अर्जुन बिजलानी के टेलीविजन करियर के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अर्जुन बिजलानी ने अपने करियर की शुरुआत कैसे और कब की। तो जानते हैं अर्जुन के टेलीविजन करियर के बारे में। अर्जुन ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 2004 में बालाजी टेलीफिल्म्स की युवा आधारित सीरीज कार्तिका से जेनिफर विनगेट के साथ की थी। उन्होंने अंकुश की भूमिका निभाई थी, जो कार्तिका का प्रेमी है। और 2005 में बिजलानी एक और युवा टेलीविजन शो रिमेक्स में भी दिखाई दिए थे, जिसमें उन्होंने विक्रम की भूमिका निभाई थी। कॉलेज के दिनों में उन्हें मोटरसाइकिल पर स्टैंड करना बहुत पसंद था। पत्रकारों से बात करते हुए अर्जुन ने बताया कि शुरुआत में उनके पिता अर्जुन के एक्टर बनने के फैसले से बहुत खुश नहीं थे। एक साक्षात्कार में जब उनसे एक अभिनेता के रूप में उनके संघर्ष के दिनों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, मेरे पास एक छोटा सा बैग हुआ करता था, जिसमें सिर्फ 2 या 3 टी शर्ट, एक नैपकिन और एक फेस वॉश होता था। मैं रोज़ सुबह उस बैग को लेकर घर से निकलता था और स्टूडियो के चक्कर लगाता था, इस उम्मीद में कहीं ना कहीं मैं फिट हो जाऊँगा, कहीं मुझे कोई रोल तो मिल ही जाएगा। अर्जुन ने अपने टेलीविज़न करियर की शुरुआत 2004 में ही की थी। अर्जुन ने टेलीविज़न ड्रामा लेफ्ट राइट लेफ्ट में क्रेडिट आलिक शर्मा की भूमिका निभाई थी और 2006 में उन्होंने दीप्ति भटनागर की पीरियड ड्रामा मोहे रंगदे में एक अमीर और मौज मस्ती करने वाले लड़के संजय का किरदार निभाया। उसी वर्ष उन्होंने रति पांडे, सनाया ईरानी और मोहित सहगल के साथ रोमांटिक युवा शो मिले जब हम तुम में अभिनय किया। उन्होंने मयंक शर्मा का किरदार निभाया, जो एक बेवकूफ़ है जो एक मौज मस्ती करने वाली लड़की के प्यार में पड़ जाता है। प्रमुख अभिनेता के रूप में यह उनका पहला शो था जिसे उच्च TRP मिली थी। यह उनका अगला टेलीविजन उद्योग NDTV इमेजिन की भावना खत्री के साथ परदेश में मिला कोई अपना था। उन्होंने शो में चंद्रकांत भोसले की भूमिका निभाई। 2012 में अर्जुन ने UTV बिंदास के रियलिटी टॉक शो डेल स्पियन रोड डायरीज की मेजबानी भी की थी। उसी वर्ष उन्होंने स्टार प्लस पर मैजिक लैटिन की टेलीफिल्म तेरी मेरी लव स्टोरीज में नेहा जन पंडित के साथ भी काम किया, जहां उन्होंने रघु की भूमिका निभाई थी, जो एक असभ्य व्यक्ति था। इसके बाद उन्होंने फुल फुकरे, आई गैस और गॉट इन द वेव जैसी लघु फिल्में की। वह अनेरी बजानी के साथ टेलीविजन श्रृंखला काली एक पुनर्वतार में एक पुलिस इंस्पेक्टर देव की भूमिका में भी दिखाई दिए। उनकी अगली उपस्थिति चिंटू बन गया जेंटलमैन श्रृंखला में थी। वह बॉक्स क्रिकेट लीग में खिलाड़ी के रूप में भी भाग लिया और 2014 में बिजलानी ने UTV बिंदास के ये है आशिकी के एक एपिसोड में परिणीत चौहान और रुचा गुजराती के साथ अभिनय किया।
इसके बाद बिजलानी ने सितंबर 2015 में उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स के एक और थ्रिलर शो नागिन को मौनी रॉय के साथ साइन किया। यह शो कलर्स टीवी पर प्रसारित हुआ। शो में उन्होंने एक महत्वाकांक्षी बिजनेस टाइकून ऋतिक सिंह का किरदार निभाया, जो मानता है कि प्यार और धर्म विचलित करने वाले हैं क्योंकि वे आपको कमजोर बनाते हैं। लेकिन रॉय के किरदार शिवन्या के आमने सामने आने पर उनके विश्वास को चुनौती मिलती है। शो को उच्च टीआरपी मिली और यह उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जुलाई 2016 में बिजलानी ने डांस रियलिटी शो झलक दिखला अजय 9 में भाग लिया, लेकिन बाद में शुरविन चावला के साथ बाहर हो गई। अगस्त 2016 में उन्होंने मोना सिंह और विवेक दहिया अवनीत कलर्स टीवी के कवचकाली शक्तियों से प्रवेश किया, जहां उन्होंने अरहान नामक जिन्नी की भूमिका निभाई। उन्होंने कुछ एपिसोड के लिए नागिन 2 में अतिथि भूमिका भी निभाई थी। इसके बाद बिजलानी ने नवंबर 2016 में इन्होंने दृष्टि धामी के साथ परदेश में है मेरा दिल में राघव मेहरा की भूमिका निभाई। कम टीआरपी के कारण शो 30 जून 2017 को बंद हो गया। सितंबर 2017 में बिजलानी ने व्यान ड्रीम्स एंटरटेनमेंट के इश्क में मर्जावा को साइन किया, जो कलर्स टीवी पर प्रसारित हुआ, जिसमें इन्होंने दीपराज सिंह की भूमिका निभाई। शो को अच्छी टीआरपी मिली और यह जून 2019 में समाप्त हो गया। और 2018 में उन्होंने डांस रियलिटी शो डांस दीवानी की मेजबानी भी की। 2019 में बिजलानी ने कलर्स टीवी के कुकिंग रियलिटी शो किचन चैंपियन 5 की मेजबानी भी की और कुछ एपिसोड के लिए नागिन 3 में अतिथि भूमिका भी निभाई। और आपको बता दी कि अर्जुन ने 2019 में कलर्स टीवी पर डांस दीवानी 2 की मेजबानी भी की थी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जनवरी 2020 में वह सुकृति कक्कड़ और प्रकृति कक्कड़ के साथ कैंदिया कैंदीना नामक एक संगीत वीडियो में भी दिखाई दिए। मार्च 2020 में उन्होंने कांटलो पिक्चर्स द्वारा निर्मित और G5 द्वारा वितरित स्टेट ऑफ सीज के साथ अपना डिजिटल डेब्यू किया। उन्होंने मेजर संदीप उन्नीकृष्णन से प्रेरित मेसर निखिल मणिकृष्णन की भूमिका निभाई। उसी वर्ष वह रीम सेख के साथ इश्क तन्हा नामक एक अन्य संगीत वीडियो में भी दिखाई दिए। 2021 में इन्होंने कलर्स टीवी पर स्टैंड आधारित रियलिटी शो फेयर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 11 में भाग लिया। इस शो को रोहित शेट्टी ने होस्ट किया था और इसे दक्षिण अफ्रीका के कैप टाउन में फिल्माया गया था। फाइनल में दिव्यांक त्रिपाठी और विशाल आदित्य सिंह को हरा कर बिजलानी सीरीज के विजेता बनकर उभरे। इसके बाद बिजलानी ने जनवरी 2022 में इन्होंने सोनी टीवी के इंडिया स्कॉट टैलेंट की मेजबानी की और फरवरी 2022 में इन्होंने अपनी पत्नी नेहा बिजलानी के साथ स्टार प्लस की स्मार्ट जोड़ी में भाग लिया और दूसरे रनर अप के रूप में उभरे। उसी वर्ष उन्होंने एमएक्स प्लेयर की लोकप्रिय वेब श्रृंखला रूहानीत में सबीर राठौर के रूप में अभिनय किया, जो सुपरहिट रही। जून 2022 में इन्होंने गायक अमल मलिक के साथ स्टार प्लस के रविवार विद स्टार परिवार की मेजबानी की। नवंबर 2022 में इन्होंने MBTV स्पॉट विला शो के 14वें सीजन की मेजबानी करने के लिए रणविजय सिंघा की जगह ली। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अर्जुन बिजलानी के अवार्ड्स के बारे में। गोल्ड अवार्ड्स 2016 नागिन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, 2018 इश्क में मर्जावा के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ होस्ट, 2019 डांस दीवानी के लिए सर्वश्रेष्ठ होस्ट, 2019 सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स गोल्ड ग्लैम एंड स्टाइल अवार्ड्स, 2020 मैन ऑफ सबस्टेंस, 2020 गोल्ड ग्लैम और स्टाइल अवार्ड्स पदार्थ का आदमी, 2022 भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मनोरंजनकर्ता, 2023 भारतीय टेली पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ एंकर रविवार स्टार परिवार के साथ। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आप सभी की फेवरेट अभिनेता की फेवरेट चीज़ों के बारे में। इनकी फेवरेट ड्रिंक है वैरी शेक और नींबू पानी। इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन है गोवा। इनका फेवरेट फूड है बटर चिकन, पालक पनीर, पानी पूरी, वड़ा पाव। और इनके फेवरेट अभिनेता हैं अक्षय कुमार, आमिर खान, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और लियोनार्डो डिकैप्रियो। और इनकी फेवरेट अभिनेत्रियां हैं दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा। और इनके फेवरेट कलर्स हैं येलो रेड। इनके फेवरेट फैशन डिज़ाइनर हैं रॉकी एस।